भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक जमाने में ढंग की अभिनेत्री रही कंगना रनावत को थप्पड़ क्या पड़ा, अब उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, बाकायदा सड़कों पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, और न सिर्फ लड्डू बांटे जा रहे हैं दोस्तों, कंगना को थप्पड़ मारे जाने को लेकर अलग अलग तरीके से CISF की जो ऑफिशियल थी या जो जवान थी जिन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा, उनके लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं, गाने बनाए जा रहे हैं। पहली मिसाल यहां आप देख सकते हैं, बाकायदा उनके लिए एक गाना बनाया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, मेरा एक सिख भाई है जो बाकायदा एक गाना बना रहा है उसको लेकर। और फिर आप देखिए कि ये लड़की, वो कुलविंदर कौर की तारीफ में एक गाना बना रही है, उसके लिए कसीदे पढ़ रही है। कुलविंदर कौर, कौन कुलविंदर कौर? वो कुलविंदर कौर जिसने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था, वो कुलविंदर कौर जिसने कहा था कि ये वो कंगना रनावत है जिसने कहा था कि 100 रुपए के लिए औरतें किसान आंदोलन में बैठी हुई हैं, और जो जमीन पर बैठी हुई थी उनमें से मेरी एक मां भी थी। आप जानते हैं दोस्तों, ये खबर कहने को 2 या 3 दिन पुरानी है, मगर मैंने इस खबर को न करने का मन बनाया था। मुझे लगा कि आफ्टर ऑल CISF की जो जवान थी कुलविंदर कौर, उन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया था, और कुलविंदर को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पूरा किसान आंदोलन हुआ वो सत्याग्रह के सिद्धांत पर हुआ था। किसी भी किसान ने किसी भी तरह की हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, और उसकी ताकत थी कि मोदी सरकार को, खैर अब तो ये NDA सरकार है, मगर 2024 से पहले के चुनावों में ये मोदी सरकार हुआ करती थी, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, और उस वक्त किसान ने किसी भी तरह की कोई हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जानता हूं कुलविंदर, तुम्हारे मन में गुस्सा है, मैं जानता हूं नाराजगी है, तुम इस बात को लेकर नाराज हो कि मेरी मां को 100 रुपए में बिकने वाली महिला क्यों बताया, वो नाराजगी आपके मन में है। मगर कुलविंदर, आप ये नहीं भूल सकती कि जिस किसान आंदोलन को सफलता मिली थी उसमें किसानों की तरफ से एक भी गोली नहीं चली थी, किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई थी। वीडियो पुराना है दोस्तों, 2-3 दिन पुराना है, मगर जिस दिन कुलविंदर ने कंगना को थप्पड़ मारा था, मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें और देखें CISF की जवान में कितनी नाराजगी थी। उसके दर्द को अगर आप देखेंगे तो यह दर्द वाजिब दिखाई देता है। देखिए कुलविंदर को, कोई बात नहीं, सब इसको होता है। और थप्पड़ खाने के बाद भी कंगना बिल्कुल नहीं सुधरी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद कंगना ने क्या कहा, मगर ये कहने से पहले मैं फिर दोहरा दूं कि कंगना को थप्पड़ मारना सही नहीं था। चाहे इंसान के नाते उनका स्तर जितना भी न्यूनतम हो, हर गुजरते दिन के साथ कंगना जो है अहंकारी होती जा रही है, और अब तो वो सांसद बन गई हैं, तो अब तो इनके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। याद कीजिएगा, चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने अपने आप को अमिताभ बच्चन से बड़ा बता दिया था, और सबसे शॉकिंग, जब उन्हें थप्पड़ पड़ता है तो भाई थप्पड़ तो एक कुलविंदर कौर ने मारा ना, इन्होंने पूरे पंजाब को गाली देना शुरू कर दिया, उन्होंने इसे पंजाब में आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। सुनिए कंगना ने क्या कहा था। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया, और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कंगना इंसान के तौर पर
जितनी भी बदतर हों, मगर फिर भी किसी को यह अधिकार नहीं कि उन्हें थप्पड़ मारे। ये गलत था। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, ये वही कंगना है जिन्होंने किसानों को गालियां दी थी। याद कीजिएगा, कंगना ने जब किसान आंदोलन चल रहा था तब प्रधानमंत्री को यह कहा था कि आपको अपना 2002 वाला रूप दिखाना चाहिए। 2002 में जानते ना क्या हुआ था, गुजरात में दंगे थे, बेकसूर मुसलमान मारे गए थे। कंगना भड़का रही थी इस तरह से, और फिर वो लगातार किसानों को गालियां दे रही थी। वो ये तक कह रही थी कि इनका इलाज तो सिर्फ इंदिरा गांधी करना जानती हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद तक दिला रही थी। मगर बावजूद इसके मेरा ये मानना है कि हिंसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि इन्होंने वो क्या ट्वीट किया था। अंग्रेजी में ट्वीट था वो, बाद में इस ट्वीट को इन्हें डिलीट करना पड़ा था, हटाना पड़ा था, मगर निहायत ही शर्मनाक ट्वीट था। मगर फिर भी कंगना को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद करूंगा। हा हा हा, शी इज द सेम दादी हु फीचर्ड इन टाइम मैगजीन फॉर बीइंग द मोस्ट पावरफुल इंडियन एंड शी इज अवेलेबल इन 100 रुपीज। पाकिस्तानी जर्नल्स हैव हाईजैक्ड इंटरनेशनल पीआर फॉर इंडिया इन एन एम्बैरेसिंग वे। वी नीड आवर ओन पीपल टू स्पीक फॉर अस इंटरनेशनली। आपको याद है शाहीन बाग की दादी, जिन्होंने शाहीन बाग में संघर्ष किया था। फिर मैं नहीं भूला हूं कि इसी तरह से किसान आंदोलन में एक और दादी आई थी। ये दोनों अलग अलग थी, मगर कंगना ने इतना झूठा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 100 रुपए में ये दादी हर जगह मिल रही है, चाहे शाहीन बाग हो चाहे किसान आंदोलन हो। इसी बात से नाराज कुलविंदर कौर थी। मैं फिर कह रहा हूं कुलविंदर, मेरी बहन, मैं तेरे गुस्से को समझता हूं, मैं आपके दर्द को समझता हूं। मां एक बहुत पवित्र चीज होती है, मां के बारे में कोई कुछ नहीं सुन सकता है, और खास तौर से एक ऐसा इंसान जो, जैसे मैंने बताया ना, हर गुजरते दिन के साथ ये इनका स्तर गिरता जा रहा है, और आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। इन्हीं की फिल्म का वो डायलॉग था ना, अभी तो हमें और जलील होना है। ये हर दिन अपने इसी डायलॉग को जी रही हैं इसी डायलॉग को। सबसे बड़ी बात, आप कंगना रनावत के थप्पड़ की बात कर रहे हैं, मगर कंगना रनावत के साथ एक व्यक्ति था, उसने एक महिला को थप्पड़ मारा था। ये वीडियो देखिए। अब इस थप्पड़ की जांच कौन करेगा, बताइए? इस थप्पड़ की जांच कौन करेगा? और मैं एक सवाल कंगना से पूछना चाहता हूं। आपने एक थप्पड़ पड़ा और आपने पूरे पंजाब को आतंकवादी बता दिया। आप चुनावी मंच पर खड़े होकर पहाड़ी चपेड़ की बात कर रही थी, तो आपके लॉजिक को अगर आप पर इस्तेमाल किया जाए तो क्या आपकी भी आतंकवादी सोच है? सुनिए इन्होंने क्या कहा था। मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। माफ कीजिएगा कंगना, आपको फिर इस थप्पड़ पर बोलने का अधिकार रह नहीं जाता जब आप मंच पर खड़ी होकर थप्पड़ मारने को लेकर नसीहत दे रही है, शिक्षा दे रही है। आपको शर्म आती है? चुनावों के दौरान ये महिला कुछ भी अनर्गल बातें करती थी। आपको याद है चुनावों से पहले टाइम्स नाउ में इंटरव्यू में कहा था कि 2014 में हमें आजादी मिली थी, सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे शॉकिंग बात, दीपिका पाडुकोन के डिप्रेशन का इसने मजाक बनाया था। आपके स्क्रीन पर यह है विक्रांत मैसे, 12th फेल के हीरो थे। इन पर हमला बोलते हुए इन्हें कॉकरोच बताया था कंगना ने। आप दूसरों को कॉकरोच बताती हैं और फिर आप एक CISF के जवान के हाथों थप्पड़ खाती हैं, और फिर इनकी तमाम सभाओं में, इनकी हर सभा में जो ये बयान दे रही थी, अनर्गल बयान दे रही थी। मुझे तो बहुत शॉकिंग लगता है कि क्या मंडी की जनता को कोई और विकल्प नहीं दिखा? आपको याद है इन्होंने अपनी एक सभा में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हम कुछ नहीं है, वो तो ईश्वर का अवतार है, उनके सामने हमारा दर्द कुछ नहीं है, भूल जाइए आप कौन हैं प्रधानमंत्री के सामने। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। दोस्तों, ये सही बात है कि 2014 में जो चेतना की चिंगारी समस्त विश्व में और
ज्यादा करके जो भारत में आई, सनातन की जो चिंगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है धर्म की अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चिंगारी जो है वो हमारी चेतना में नरेंद्र मोदी ने जगाई है। और आज ये चिंगारी जो है एक आग बन चुकी है जो हम सबके सीनों में जल रही है। हम जो हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। दोस्तों, किसी का भी सहयोग इस पार्टी के लिए कम नहीं है और हम सब का सहयोग मान्य रखता है। आप और मैं, हम लोगों का अपना कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। हम सब नरेंद्र मोदी हैं, हम सब उनकी चेतना, उनकी त्याग और उनके चरित्र का एक अंश है। हम लोग लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ेंगे। इस तरह से ये महिला जनता का अपमान करती थी, ये कहकर कि आप और हम प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ नहीं, मंच पर खड़े होकर चपेड़ मारने की बात करती थी। बावजूद इसके, जैसे मैंने कहा ना, थप्पड़ मारने का किसी को अधिकार नहीं है। बहरहाल, विशाल डडलानी, म्यूजिक डायरेक्टर, इन्होंने कहा कि अगर कुलविंदर को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो मैं कुलविंदर का ख्याल रखूंगा, उन्हें नौकरी पर रखूंगा। इस वक्त कंगना के पक्ष में कोई सामने उभर कर नहीं आ रहा है। दोस्तों, कंगना कहती है कि फिल्म इंडस्ट्री ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे बहुत दुख है इस बात का। तुम्हारा साथ कौन देगा? तुमने दीपिका पादुकोण का मजाक बनाया था जब उन्हें डिप्रेशन था, उनके डिप्रेशन का मजाक बनाया था। तुमने विक्रांत मैसे को एक कॉकरोच बताया था जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसा दिया गया था। तब ये तुम्हारी ही हरकत थी कंगना कि तुमने शाहरुख और आर्यन के बारे में अनर्गल बातें कही थी, और तुम ये उम्मीद करती हो कि फिर तुम्हें इंडस्ट्री तुम्हारा साथ देगी। बहरहाल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर शबाना आजमी का भी बयान आया है। शबाना आजमी का बयान क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कंगना ने इनके पति जावेद अख्तर, जाने माने गीतकार और डायलॉग राइटर जावेद अख्तर के बारे में कुछ बहुत ही वाहियात बातें कही थी, जिसके चलते जावेद अख्तर इन्हें अदालत घसीट कर ले गए थे। और जावेद अख्तर की पत्नी, जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। मेरे दिल में कंगना रनौत के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के समूह में खुद को शामिल नहीं कर पा रही हूं जो थप्पड़ मारने का जश्न मना रहे हैं। सही कहा आपने, मैं भी उन लोगों में शामिल नहीं हूं जो थप्पड़ मारने का जश्न मना रहे हैं। आगे क्या कहती हैं शबाना आजमी, अगर सुरक्षाकर्मी कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात कही है यहां पर, सुरक्षाकर्मी किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमने वो ट्रेन का वीडियो देखा था जिसमें एक सुरक्षा कर्मी ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ था। वो मोदी और योगी को वोट देने की बात कर रहा था, 4 लोगों को गोली मार चुका था और वो मोदी और योगी को वोट देने की बात कर रहा था। एक निहायत ही शर्मनाक मिसाल, किसी भी कीमत पर इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। मगर हां, हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर कंगना को भी सद्बुद्धि देगा। बहरहाल, राकेश टिकैत पूरी तरह से कुलविंदर के पक्ष में आ गए। सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। जो एयरपोर्ट पे जो मामला हुआ, मेंबर पार्लियामेंट कंगना रावत के साथ में, वो एक बहस थी। और जो लड़की थी जिसको बताते हैं कि इसने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ उप्पड़ कुछ नहीं मारा, वो बहस हुई जब किसान आंदोलन चल रहा। उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती हैं, उससे आहत थी वो लड़की। उसे सवाल जवाब करे हैं,
पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है, जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उसमें, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसके मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं, क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है, जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं, क्या एक साल तक उनको आतंकवादी नहीं गया, क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है, ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें। और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम इस बेटी के साथ हैं। और एक बार फिर कुलविंदर को मेरी नसीहत, आपने जिस किसान आंदोलन के नाम पर, जिस मां के नाम पर कंगना को थप्पड़ मारा ना, उस मां ने कभी भी हाथ में हथियार नहीं उठाया जब वो किसान आंदोलन में शामिल थी। मैं उम्मीद करता हूं कुलविंदर आप अपनी मां से सीखेंगी। और जैसे मैंने बताया, मेरी बहन, मैं आपके दर्द को समझता हूं। मैंने जैसे कुछ देर पहले कहा ना, मां एक बहुत ही पवित्र चीज होती है, एक बहुत ही पवित्र जज्बा होता है ममता का, इसीलिए मैं आपकी नाराजगी को समझता हूं। मगर आप एक सुरक्षा कर्मी हैं, आप हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग जश्न मना रहे हैं आप लोग भी समझेंगे, हिंसा को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।